देश भर में आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। इस बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में लोगों में दूध व दूध से बनने वाले उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए जागरूकता विकसित करने की पहल की गई। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. M.S. चौहान ने कहा कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राजन ने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट का पता लगाने के लिए एक किट तैयार की गई है, जिससे लोगों को मिलावटखोरों पर नकेल कसने और शुद्ध दूध की परख करने में मदद हासिल होगी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कि हमेशा दूध पिए, दूध से आपके बच्चे, आप अपने आप में स्वस्थ रहेंगे, कुशल रहेंगे। और जैसा कि हम ये मानते हैं बार बार कि हमें एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो दूध एक बहुत उचित माध्यम है कि जिसके द्वारा हमें एनिमल प्रोटीन का भरपाई हमारी हो पाएगी। दूध की जो मिलावट के जो पारंपरिक जो टेस्ट हैं वो उनमें टाइम लगता है, तो वो करने में लोग थोड़ी सी कोताही बरतते हैं, तो इसलिए हमने उन टेस्ट को ये सोचा गया कि उसको सिंपल किया जाए और रैपिड हो, ताकि वो जल्दी से उनके रिजल्ट आ जाएं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने पेपर स्ट्रिप आधारित मतलब कि एक स्ट्रिप के ऊपर एक पेपर लगा हुआ है जिसको हमने केमिकली मॉडिफाई किया हुआ है, और उसको आप अगर दूध में डालेंगे, उसको निकालेंगे, तो वो अपना कलर चेंज करेगा। और इस तरह हमने 8 तरह के पेपर स्ट्रिप टेस्ट डेवलप किए हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि NDRI द्वारा विकसित दूध में मिलावट की जांच की तकनीक बहुत कारगर है और इससे बाजार में बिकने वाले मिलावटी दूध से बचा जा सकेगा। बहुत अच्छा लगा NDR ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि लोगों को ये पता लगे कि वो क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं या कुछ और पी रहे हैं। इसलिए मैं अपना एक सैंपल यहाँ पर लाया।